और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इसराइल हमास जंग के बीच इसराइल ने सीरिया पर हमला किया। राजधानी दमिश्क और एलेपो एयरपोर्ट पर हमले की जानकारी सामने आ रही है। इसराइल ने दमिश्क और एलेपो एयरपोर्ट पर हवाई हमले किए हैं। राजधानी दमिश्क और एलेपो पर इसराइल की तरफ से हमला बोला गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर, इसराइल ने एलेपो एयरपोर्ट पर हवाई हमला किया है। भूमध्य सागर से ये मिसाइल दागी गई। जानकारी के मुताबिक ये हमला उस समय हुआ जब ईरान के विदेश मंत्री दमिश्क पहुंचने वाले थे। ये बड़ी खबर इस वक्त की, युद्ध से जुड़ी आपको बता दें, दोनों ही ओर से ये जंग तेज होती जा रही है। और इस बीच इसराइल ने हमास जंग के बीच इसराइल ने सीरिया पर हमला किया है। राजधानी दमिश्क और एलेपो एयरपोर्ट पर यह हमला किया गया है। इसराइल ने दमिश्क और एलेपो एयरपोर्ट पर हवाई हमले किए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर मिल रही है, इसराइल ने सीरिया पर हमला किया है। सीरिया ने ये आरोप लगाया कि इसराइल ने एलेपो एयरपोर्ट पर हवाई हमला किया है और भूमध्य सागर से ये मिसाइल दागी गई। इसराइल और हमास के बीच युद्ध का आज छठा दिन है और बीते कुछ दिनों में इसराइल ने हमास पर अपने हमलों को और तेज किया है। हमास ने भी रह रहकर इसराइल के हमलों का जवाब दिया है और इस युद्ध में अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन ये युद्ध और तेज होता जा रहा है। और इस वक्त जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि इसराइल ने दमिश्क और एलेपो एयरपोर्ट पर हवाई हमले किए हैं।